वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज बल्लागुड़ा इस्माइल नगर में और यहाँ का एग्जैक्टली लोकेशन वगैरह सारी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह उमर। क्या नाम है आपका? सैयद सलमान भाई। क्या नाम बोले आपका? सैयद सलमान। सलमान भाई, आपका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? ये साहब बल्लागुड़ा नूरी नगर अथर भाई की बाउंड्री की तरफ लोकेशन है अपना। एग्जैक्ट बल्लागुड़ा नूरी नगर अथर भाई की बाउंड्री, मस्जिद ए जुबेदा भी है यहाँ पर। जी हाँ, तो वहाँ पर भी अगर आए तो पिक कर लेंगे, इजीली कोई अगर कॉल करे तो लोकेशन भिजा देंगे आप? भिजा देंगे हमारे। ठीक है, आपके पास एक बॉन्ड कंडीशन वाला ये एक स्टैलियन घोड़ा है? स्टैलियन घोड़ा है हमारा। नर घोड़ा है, पूरा ब्लैक है और तीन पैर वाइट है इसके। जी हाँ। पीछे के पैर पर जवाब है इसके, ये वाले? जी हाँ है उमर भाई, जवाब है। ठीक है, तीन पैर वाइट है और एक पैर पे जवाब भी है। देखें कौन सी नस्ल का है ये? मारवाड़ नस्ल का है उमर। मारवाड़ में है। और चेहरा इधर पलटाइए आप। ठीक है, तिलक भी है और नाक पे एक वाइट पैच भी है। जी क्या है हाइट इसकी? इसकी उमर भाई 59 आएंगे इंशाल्लाह। 59 इसकी हाइट है? जी हाँ। बहुत खूब, मैं समझ रहा था शायद आप 60-61 बोल देंगे। नहीं नहीं, लेकिन जेन्यून बतलाए, ये बहुत खुशी हुई। जी हाँ उमर भाई। और उम्र क्या है इस घोड़े की? उम्र भाई इसकी उम्र मैं समझता हूँ अभी 5 साल क्रॉस कर रहा है। अभी कोल्ची अभी फोड़ा है इन्हें, अभी अच्छा। बच्चा ही छे इन्हें। जी हाँ, कोई आए भी तो अपन चेक करा के देंगे अपन। जस्ट अभी स्टैलियन हुआ है। जी हाँ, और एक इसमें ख़ास बात क्या है उमर भाई, छोटे बच्चे आराम से नर रहने के बावजूद भी कोई इसको मारना कतरना लात मारना कुछ भी नहीं है। इसका आराम से जो है टांग उठा लो आप या पीछे हिस्से में चला बैठे, पीछे हिस्से का भी अपन टांग वांग उठाए मारना कतरना कुछ नहीं है घोड़े में। छोटे बच्चे बड़े बच्चे कोई भी बैठ सकते हैं इसके ऊपर। पलटा ही ऐसे ही आप। कंडीशन हर तरफ से बॉन्ड है। कब से है आपके पास ये घोड़ा है? ये उमर भाई एक हफ्ते भर से है उमर भाई। अच्छा, एक हफ्ते से आपके पास है। वॉक करा के लाइए आप आगे। चलो आओ फहद बैठो। अरे वॉक कराइए पहले। नल वगैरह भी दली हुई देखी, कोई पैर वगैरह ख़राब नहीं है इसके। सुजन स्वेलिंग जैसा अटेंडेंट होते वैसे कुछ नहीं है, एकदम नीट। 59 हाइट में है, मारवाड़ स्टैलियन घोड़ा है और पूरा काला है चेहरे और उमर भाई वो, और तीन पैर वाइट है। जी पहले की वीडियो में बहुत रिक्वायरमेंट थी ब्लैक घोड़ा होना बोल के, तो काफ़ी सारे जनों को नहीं दे सका हमें। इंशाल्लाह अभी आया है और कंडीशन पूरा अच्छा है। हल्का सा दिमन भी है। जी हाँ, हल्का सा है। बाल भरी भी एकदम साफ है इसकी। जी हाँ। चलिए अब राइडिंग बतलाइए आप राइडिंग करने वाले हैं? जी हाँ। शाबाश। देखिए आप, छोटे बच्चे भी अगर राइडिंग कर रहे हैं तो भी अच्छा चलने वाला घोड़ा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। देखिए राइडिंग नहीं आती उसके बावजूद भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं और घोड़ा चल रहा भी अच्छा है। कोई अगर राइडिंग क्लब के लिए भी अगर किसी को चाहिए तो आप लोग भी ले सकते हैं। क्वालिटी माशाल्लाह है और जैसे चला है वैसे चलने वाला घोड़ा है। ठीक है, क्या रख रहे हैं इस घोड़े की आस्किंग प्राइसिंग आप? उमर भाई इसका एकदम रिजनेबल प्राइस है। अब काले घोड़ों की डिमांड भी थी और बॉन्ड कंडीशन है, उसलिए मैं 80,000 प्राइस रख रहा हूँ उमर भाई। 80,000 आस्किंग है? जी हाँ, उसमें निगोशिएबल स्लाइटली करूँगा मैं। जी हाँ, स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा देखिए, लेकिन क्वालिटी वाकई बॉन्ड है। अपने गन क्या है, घोड़ा ऐसा दुबला नहीं है ना, और ये फुल नर है और छोटे बच्चे बड़े बच्चों के वास्ते खुसूसन अच्छा है ये घोड़ा। बड़े लोग हर कोई चला सकते हैं इसको। जी मारने कतरने का नहीं है। एक्चुअल लोग क्या है डरते, नर घोड़ा रहा तो मारता करता बोल के, बिल्कुल वो हरकत कुछ भी नहीं है घोड़े में ये, लेकिन एकदम साफ है। और सबसे मेन के ट्रेन बहुत अच्छा है, यानी नर घोड़ा रहने के बावजूद तेज नहीं है। जी हाँ उमर भाई। ठीक है, 80,000 आसिंग प्राइस है इसका, इसमें बिल्कुल स्लाइटली नेगोशिएबल भी हो जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग डिस्क्रिप्शन के नंबर पर कॉल कीजिए। इस तरह और भी बहुत सारे अपडेट्स बताऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।